आज के समय में हर इंसान के पास में कुछ ना कुछ कार्य रहता ही है। जिन लोगों के पास में कार्य नहीं रहता, वह भी रात में स्वप्न तो देखते ही होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर की थकावट के बाद में रात में अच्छी नींद चाहते हैं, लेकिन उन्हें बुरे सपने सताते हैं या सपनों का डर लगा रहता है। उनकी सोते ही बार बार अचानक नींद खुल जाती है, डर के मारे बहुत सारे लोग चिल्लाने भी लग जाते हैं। कुछ लोगों को सपने में अनहोनी की आशंका होती है, इसलिए वो एकदम उठ जाते हैं और गहरी नींद उनकी खुल जाती है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से भगवान की कृपा बरसती है और बुरे सपनों का नाश होता है। देवी देवता ही हमें बुरी चीज को आकर्षित होने से बचाते हैं। आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से जानेंगे, बुरे सपने आए तो क्या उपाय करना चाहिए। स्वप्न बहुत प्रकार के होते हैं। शुभ स्वप्न होते हैं, अशुभ स्वप्न होते हैं, मिश्रित स्वप्न होते हैं। हमें अच्छे स्वप्न पाने के लिए हमारे घर के आसपास का वातावरण शुद्ध रखना पड़ेगा। हम जहाँ सोते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पितरुओं की फोटो ना हो, और पितरुओं की फोटो ना हो जिससे कि हमारे आसपास से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। और स्वप्न यदि बुरे आते हों तो हनुमान चालीसा का या शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। शिव महिम्न स्तोत्र के साथ में ही शिव जी और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि हमें बुरे प्रकार के स्वप्नों से दूर रखें। इस प्रकार से हम बुरे स्वप्नों से बच सकते हैं। दिन भर की थकान के बाद जब आप आते हैं अपने रूम में, तो अपने हाथ पैर धो करके सोने के लिए जाएं, तथा कभी भी अंधेरे कमरे में ना सोएं। कुछ भी धीमी लाइट रोशनी वाले कमरे में ही शयन करना चाहिए, जिससे कि हमें बुरे स्वप्न नहीं आते हैं।